बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं शुभम सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, पंचायती चुनाव को लेकर हर एक तरफ काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल है। हर एक कैंडिडेट अपने अपने दावे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपनी समाज की जो भी कमियाँ हैं उसको दूर कर रहे हैं। ऐसे ही हम आ चुके हैं आज मोहनिया क्षेत्र में। वहाँ से एक भावी प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं लोगों के बीच। हालांकि देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उनसे उनका परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका हमारे चैनल में। एक बार अपना परिचय जनता जनार्दन को दीजिए हमारा। सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। मेरा अभी भी छात्र जीवन है। मैं यूपी कॉलेज को उपाध्यक्ष हुआ करता था 2008 में। 5 साल पूरे बनारस का अध्यक्ष था। 10 साल से ये कैमूर का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और उसके बाद मेरा एक कहें तो पूरा परिवार ही मेरा सोशल वर्क कहें या डॉक्टर हैं। पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर टीपी सिंह डिड़खली में हैं। बड़े भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश सिंह पलक हॉस्पिटल में हैं। भाभी डॉक्टर हैं, दिनारा में सरकारी डॉक्टर हैं वो। और मेरा युवाओं के साथ ये संबंध यह रहा कि कुछ ना कुछ कहीं कमियां होती थी और लोग इस युवाओं को दूसरी नज़र से देखते थे बेरोजगारी को लेके। तो हुआ कि जैसे मैं झेल रहा था तो सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया और माता रानी की कृपा से मैं युवाओं के लिए कोई भी काम करता हूँ तो सिर्फ युवाओं के लिए काम करता हूँ। जैसा आपने बताया, आप यूपी में भी जो कि राजनीति में एक अपना अहम मुद्दा निभा चुके हैं, तो बिहार में जैसे अभी आप बता रहे थे कि डॉक्टर लाइन से भी आप जुड़े हुए हैं, लोगों की सेवा उस लाइन से भी आप कर रहे हैं, तो राजनीति में आने की चस्का आपको कहाँ से लगा, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? ये राजनीति में आने का सफर नहीं हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हम लोग बनारस पढ़ते थे तो लोग बिहार के कुछ लड़के थे तो उनको बताया जाता था कि आप बिहारी हो तो जैसे लगता था कि अच्छा, टॉन्ट टाइप जो है कि गाली दे रहे हैं। अच्छा। तो मैं स्टार्ट कर देता था कि ऐसे क्यों बोलते हो, तो ये लगा कि नहीं झगड़ा हम करेंगे तो आप बात बढ़ती जाएगी, केस वगैरह हो जाएगी। इसके लिए लगा कि इकट्ठित करें युवा बिहार के लोगों को और चुनाव का प्रक्रिया क्या, मैं चुनाव लड़ गया। उसी समय से लगा कि मैं सोशल वर्क करूँ। 2010 से 2021 के साल भर में मैं 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ, मेरी आदत हो गई है। जब भी कभी गरीब गुरबे के होते हैं, किसी का बच्चा बीमार हो, किसी का पति बीमार हो, पैसे नहीं है, ब्लड की जरूरत है, तो मैं हमेशा अपना ब्लड का डोनेट करता रहता हूँ। और कोरोना काल में अपना फ्री में एम्बुलेंस कर दिया था, कोई भी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत अपने हॉस्पिटल का। जी हाँ। अच्छा। अपना एम्बुलेंस था खुद का और वो बहुत संकट हुई थी। ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट था, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन क्रिटिकल सिचुएशन था। तो उस पीरियड में मैं ऑक्सीजन और विथ एम्बुलेंस उनको जहाँ कहते थे लोग तेल डलवाते थे लेके चले जाते थे, मैं कोई किराया नहीं लेता था। और सोशल वर्क इस तरह से जो है कि सिलसिला लगा रहा। जी जी बिल्कुल, समाज की सेवा करने का। आपके हिसाब से जैसे जो अभी सिटिंग कैंडिडेट थे मोहनिया के, उन्होंने किस किस क्षेत्र में जैसे अपने कार्य को न करते हुए कमियां भी क्या क्या आपको अपने क्षेत्र में दिख रही हैं? देखिए, जो अभी फिलहाल सिटिंग कैंडिडेट हैं वो हमारे भाग मोहनिया भाग 1 में 5 पंचायत पड़ते हैं। 5ों पंचायत के वो बाहर के हैं। पहले रामगढ़ के, पहला प्रतिमक्ति ये कि वो हमारे क्षेत्र के नहीं है। अच्छा। तो वो हमारे क्षेत्र की कोई भी जनता की समस्या होती थी तो उनको खोजना पड़ता था। वो खुद समाज के लोगों के बीच नहीं रहते थे, क्षेत्र के लोगों के बीच आते जाते थे, लेकिन करंट मुसीबत होता था तो लोग खोजते थे। हमारे क्षेत्र में सबसे इम्पोर्टेंट है किसानों का, कहीं पानी का निकासी नहीं है। अभी जल बाढ़ आया था तो जल का निकासी नहीं है। बहुत किसान नेताजी ये कर दीजिए, किसान पानी का समस्या है। युवाओं का मेरा चुनाव लड़ने का तरीका साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो पैसे के लिए नहीं, लालच है, हमको राजनीति का लालच है कि राजनीति में जितना ऊपर जाऊँ। और मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है और प्रत्याशियों से। क्या जैसे बता सकते हैं? जैसे कि जैसे चुनाव माता रानी की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद से, लोगों का आशीर्वाद से मैं यदि चुनाव निकल गया, कोई गांव का भी काम होगा मैं नहीं करवाऊंगा। इसलिए नहीं करवाऊंगा कि वहां के युवा लोग हमको वोट दिए हैं, वो काम उन लोग को दे दूंगा, लीजिए आप लोग करवाइए। सब जानते हैं हर काम में बजट होता है। अच्छा, मतलब आपका एक बैग सपोर्ट रहेगा लेकिन कराएंगे वो लोग करवाएंगे। अच्छा। उस काम में मैं हस्तक्षेप थोड़ा भी नहीं करूंगा, काम दे दूंगा आप लोग, जितना भी बेनिफिट हो जो भी करना अपने ढंग से करवाइए। अच्छा। यदि सपोज दैट मैं करवा रहा हूँ काम, तो सबके अंदर लालच हो जाती है कि मैं काम करवा रहा हूँ, हल्का काम करवाऊंगा। आज लोग राकेश कह रहे हैं, कल राकेशवा कहेंगे, तो गाँव की गाली मैं नहीं सुनना चाहता। गाँव की गाली लोग खुद सुने, अपने से काम करवाएं, वो ठोस काम करवाएंगे। अच्छा। युवाओं को तो कुछ तो रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल। और ऊपर में भी बात होती है। और जो इंस्पिरेशन कोई रहा है अभी तक आपका, जैसे हर किसी का किसी न किसी फील्ड में जी, किसी को अपना मोटिवेटर मानते हैं या फिर किसी को अपना आदर्श मानते हैं जी, तो राजनीति के क्षेत्र में अभी तक
आपको एक समय भी हो गया काफी जैसे छात्र संघ से भी करते हुए आ रहे हैं, तो कोई मोटिवेटर रहा है जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं इनके तरह बनना है या फिर इनके तरह कार्यकर्त करना है ये सारी चीज़? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसमें अच्छा लगता है कि जो भी बिहार की युवा नेता हैं जैसे तेजस्वी यादव हुए, चिराग पासवान हुए, इन लोग को देखते हैं कि इन लोगों का रुझान युवाओं की तरफ होता है। और बीजेपी के भी बहुत युवा नेता हैं जो अच्छा सिर्फ युवाओं के बारे में बोलते हैं, तो ये बात अच्छी लगती है कि युवाओं के बारे में सोचेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कंधा से कंधा मिला के बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे अपने क्षेत्र की समस्या में चलता हूँ, जब भी अभी जाएंगे आप बाई रोड जिगनाल रुपरमा दुहरा, वो रोड में आपको ठेहुना से ऊपर तक कमर तक पानी भरा हुआ है, जाने आने का रास्ता कोई नहीं है। करंट में कोई बीमारी किसी को होता है कि इमरजेंसी होता है कि हॉस्पिटल जाएं, तो 4 किलोमीटर के सफ़र करने के बजाय उन 15 किलोमीटर घूम के आते हैं लोग। ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है फील्ड वर्क के दौरान, सुनने को भी मिलता है। अच्छा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी काम नहीं किया है तो हम लोग जाते हैं फील्ड में तो सुनने को मिलता है ये काम नहीं हुआ, वो आप लोग सुनते नहीं है। तो सिंपल सी बात है, मैं तो चुनाव का प्रक्रिया किया हूँ, जो भी प्रत्याशी मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सब लड़ रहे हैं अपना विचार होना चाहिए, जो भी लड़ रहे हैं वो उनको ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जनता आपको चुनाव में आगे बढ़ाया है तो फिर आप कहीं बीके सिके ना। अच्छा, और आराम से आप उनका सेवा करते रहें। ये तो बहुत प्रत्याशी हैं कि चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, किसी के हाथ बिक जाते हैं, ऐसा प्रक्रिया नहीं है। मेरी सोच ये है, आपके हिसाब से मतलब ये चुनाव ना रहा, एक बिजनेस हो गया? हाँ, बिजनेस लोग कर ले रहे हैं, बिक गया तो बिजनेस है, चुनाव में जो भी खर्चा करते हैं बिक गए तो वो पैसा वसूल करते हैं, तो काम कहाँ से मिलेगा? जिसे आप बिक गए तो वो काम कहाँ से देगा, विकास कहाँ से होगा? और लोग हैं कि सिर्फ दौरा करते हैं, ज़मीन पे काम होना चाहिए। जैसे कुछ छात्र हैं, किसी को टोल टैक्स में लगवाइए, किसी को फैक्ट्री में लगवाइए, किसी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दीजिए, जिस एजुकेशन के हिसाब से उनको भी अच्छा लगेगा, वही मेरा काम के जरिए होगा। आपके हिसाब से वर्तमान की राजनीति क्या है? वर्तमान की राजनीति मैं अपना खुद बताऊं दूसरे को बताऊं? नहीं नहीं, आप खुद व्यक्तित्व। मेरा राजनीति में तो मैं पहल कर ही लिया हूं जी। आप लोग के मीडिया के चैनल से मैं बता देता हूं कि आज के डेट में मुझसे अच्छा खासा जान पहचान तेजस्वी यादव से भी है, राजनाथ सिंह से भी है, उनके लड़के पंकज सिंह से है, माननीय चिराग पासवान जी से है जी। फिर अनुराग ठाकुर से है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि हमारे भैया मेरे यहाँ कुछ युवा हैं, कुछ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिए, तो उन लोग के जैसे जो लायक होता है, जैसे कोई ITI करता है, कोई पॉलिटेक्निक करता है, तो उन लोग से फ़ोन करवा के कहीं कंपनी में सेटल करवा देता हूँ। और मेरा फोकस सबसे युवाओं पर है कि युवा बढ़ते रहेंगे तो हम लोग आगे कोई भी चीज़ को नहीं निकल सकते। किसी पार्टी विशेष को समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, पार्टी विशेष पार्टी के साथ हूँ, लेकिन फिलहाल इम्पोर्टेंट पार्टी नहीं, मेरा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र का, यदि मीना सब लोग बोलते हैं कि जिला परिषद कोई लड़ता है तो इसको मिनी विधानसभा कहा जाता है, तो मेरी भी चुनौती है कि आज क्षेत्र की जनता हमको आगे बढ़ाए, तो मुझे आज जिला परिषद का दिख रहा है कि जिला परिषद जीत जाएंगे, कल दावादारी ठोक दूंगा मैं चेयरमैन का, 5 साल बाद मुझे विधानसभा याद आ रहा है। ये पहलू होता है कि लोग 9 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, 10+2 करते हैं जी, जी। तो तैयारी करते रहते बढ़ते जाते हैं, तैयारी के ऊपर होता है, मेरा ये तैयारी है, मुझे विधानसभा दिख रहा है, सफर लंबा है जी हाँ। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने युवाओं के साथ कभी भी नहीं उनको अनदेखा करूँगा, हमेशा साथ में रखूँगा। हालांकि जैसे आपने बहुत बार युवाओं के पॉइंट को उठा रहे हैं जी, तो समाज में और क्षेत्र में तो दोनों वर्ग के लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवाएं भी हैं, और दोनों वर्ग सम्मिलित है जी। तो बुजुर्गों के लिए कुछ खास आपने सोचा है? देखिए बुजुर्गों के लिए वो लोग तो काम कर नहीं सकते हूँ, उनके लिए जो है वृद्धा पेंशन, जो भी सरकार द्वारा फंडिंग आता है वो दिलवाएं। युवाओं के मैं फोकस मैं ही कर रहा हूँ कि आज के डेट में युवा अगर रोजगार हो जाए, कहीं ना कहीं कहीं प्राइवेट काम में ही कहीं लगा दें, तो उनके माता पिता उन पर तो डिपेंड हो जाएंगे और उनको आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा। हमारे यहाँ जी भी जो भी लड़के रहते हैं वो पढ़ने वाले लड़के को रख देता हूँ, क्योंकि वो लड़ते रहते हैं कि कोई भी फॉर्म भरना है तो माता पिता से 10 बार फॉर्म का पैसा मांगे तो गुस्सा भी हो जाते हैं, नौकरी मिलने का ठिकान नहीं है, आप लोग फॉर्म भरते हैं भर के पैसा जो वो है। अपने से अपने डिपेंड है, अपना पढ़ाई खुद करते हैं, स्ट्रगल करते रहे। और हमारे हॉस्पिटल में भी जो भी गरीब गुरबा आते रहते हैं उनको बिना फीस लिए, फीस भी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुआ ही उनका मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और वो सही हो के जाए तो तमाम दुआ देंगे और उनकी दुआ से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यही ये जो आप हॉस्पिटल के थ्रू जो भी मतलब जनसेवा करते हैं आप,
इसको फील्ड वर्क में देखने को मिला कहीं ना कहीं इसकी पॉजिटिविटी दिखी? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब क्षेत्र में निकलता हूँ तो जितनी महिलाएं हैं, अक्सर महिलाएं अपने बच्चे को लेकर आती हैं, तो हमेशा वो बोलती हैं राकेश जी आप आ गए तो थाने साहब बच्चा का सुई लगा दी हमें, ऐसा कर सुनने को मिलता है। क्योंकि वो कहीं गांव में जाती हैं, सुई लिखा होता है कि ये सुई लगाना है, तो डॉक्टर के पास जाती है तो 15-20 रुपया डॉक्टर लगता है सुई लगाई सिर्फ, तो वो काम मैं खुद कर देता हूँ। मतलब जो भी उनका फील्ड वर्क के दौरान भी आपको वो लोग नेता ना मान के एक घर का बेटा बेटा मानते हैं हमको, इस अपेक्षा के साथ कहते हैं सुई लगा दो। जी हाँ, बच्चा को कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा को थोड़ा सामने का आपको जाना था मोहनिया तन देख लिया आप जाए कि ना जाए, तो वो थोड़ा सा एडवाइस भी ले लेती हैं। मैं हालांकि मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर परिवार से हूँ लेकिन डॉक्टर हूँ नहीं हूँ, लेकिन होता है कि अनुभव घर के जो है कि माहौल में उस रहते रहते आदतें हो जाती हैं। हालांकि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और ये पद आपको मिलती है तो लोगों के बीच क्या वही रुआब रहेगा एक समाजसेवी के तौर पे ही या फिर एक नेता वाली छाव? जी बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा गॉड से प्रेयर करता हूँ कि हे भगवान हमको आप अकेले ना बढ़ाएं। लोगों से भी मैं वोट मांगता हूँ और कहते हैं कि आशीर्वाद हमको दीजिए, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अकेले ना बढ़ूँ, मेरे साथ सब लोग बढ़े न तो ना बढ़ूँ, मेरी यही व्यवहार। और मेरी सोच होती है कि शायद पावर मिल जाए तो और मेरा अपना काम में उत्तेजित होकर लोगों को करूँगा, बिना पावर का तो इतना कर रहा हूँ, पावर मिल जाए तो हर गांव का काम मैं खुद न कहकर युवाओं को दे दूंगा, हर काम में साफ भी जानते हैं कि बचत होता है, जो भी बचत होता है वो लोग करें, मुझे नहीं चाहिए, हमको तो जो मिलना है ऊपर मिलता ही रहेगा, मुझे इम्पोर्टेंट है सबका आशीर्वाद चाहिए। इच्छाएं जैसे आपको हैं क्या क्या जो क्षेत्र में आप कराना चाहते हो चुनाव जीतने के बाद? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र में छोटा छोटा अपने हाथ में तो है नहीं, सरकार से लगातार देखिए कहीं भी आप बहस करते रहेंगे किसी मुद्दा पे तो सरकार भी व्यवस्था होकर वो कहीं ना कहीं कदम उठाएगी। जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल के लिए जैसे अभी कोरोना काल में वैक्सीन के लिए बहुत समस्या है, मैं लगातार सीएस साहब को लेटर लिखता हूँ, सर ये पंचायत में वैक्सीन अवेलेबल करवाइए, 3-4 लेटर रोज लिखता हूँ, और वो लोग वैक्सीन की थोड़ी कमी है तो लोग भेजते रहते हैं कहीं ना कहीं, रोज भेजते रहते हैं उसकी क्वांटिटी आती है। जी हाँ, और चुनाव जीतने के बाद मेरा एक उद्देश्य है, अभी भी मैं जाता हूँ क्षेत्र में, जो गरीब गुरबा है, कोई डेथ कर गया, कोई किसी का कुछ एडमिशन करवाना हो, डेथ कर गया, यदि उनके कोई अत्यंत गरीब है तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं कफन लाने के लिए, तो वहाँ पिकअप करवा देता हूँ, चीनी डंडा दे देता हूँ, भाई चलो भाई कुछ सहयोग हो जाए। यदि चुनाव मेरा निकल गया तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र की युवा है बोर्ड में 70 से ऊपर ला दिए तो मैं 5,000 रुपये अपने तरफ से दूंगा, लो भैया आप तेज हो पढ़ो, पढ़ के और कहीं बढ़िया जगह एडमिशन कराओ, फोकस छात्र छात्राओं पे होगा। ये आप मतलब किस वर्ग के छात्र छात्राओं को मोटिवेट कर रहे हैं? जैसे बिहार बोर्ड CBSE किस किसी वर्ग से टॉप करें जो हमारे क्षेत्र का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, मैं उनको लिए खुद कहीं ना कहीं बात भी करता रहूँगा, और मेरा दावा है कि उनको हमेशा जो भी 70 से ऊपर लाए, जो 70 में लाएंगे टैलेंट रहेंगे तभी लाएंगे, उनको टैलेंट को कम ना हो और उनका जो मनोबल बढ़ा दूं कि वो आगे बढ़े। ये हालांकि अगर ये बात कुछ छात्राएं और छात्र सुन रहे हैं हमारी बात, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये सीटिंग होते हैं तो आपको जो है कि एक मनोबल बढ़ाने के लिए वो एक अमाउंट आपको मिलेगा। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, जैसे आप काफ़ी जगह पर भ्रमण कर रहे होंगे, कमियाँ क्या क्या आपको दिखी? कमियाँ तो बहुत सारी हैं, गिनवाया नहीं जा सकता है, जैसे संक्षेप में कुछ जानना चाहेंगे हम भी और हमारे जनता। मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी कुछ पहले बाहर से हमारा इम्पोर्टेंट किसान लोग हैं, उन लोगों का तो कोई बिजनेस नहीं है, किसान है, खेत डूबा हुआ है, कोई प्रत्याशी नहीं कर रहा है कि इनका निकासी कैसे पानी होगा, कैसे पानी जाएगा, इम्पोर्टेंट किसान का है। दूसरी बात होता है, बहुत छात्र और छात्र आते हैं हॉस्पिटल पर, हमारे हमेशा आते रहते हैं कि भैया वो एडमिशन करवाना है, वो लोग बोल रहे हैं कि फुल हो गया है, कुछ खाली है, तो वहाँ प्रिंसिपल से भी डायरेक्ट मैं बात करता रहता हूँ कि क्योंकि वो लोग आगे बढ़ते रहे। तृतीय आशा लेके आते हैं, मैं एक बात कर दिया हूँ कि कोई भी क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको इमरजेंसी है, कहीं जाने का एम्बुलेंस चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ मैं मुझे कॉल करिए और मैं आपको एम्बुलेंस दे दूँगा, मैं ड्राइवर एम्बुलेंस दूँगा, सिर्फ आप लोग बैठ कर निकल जाइए, सुविधा हो जाए ताकि उनको ये ना कहे कि गाड़ी के भाव में कहीं जान चला जाए। अभी हाल में कई दिन में एक्सीडेंट हुआ था टोल प्लाजा पे, कहीं के भी लोग वो उनको मैं ब्लड खुद सरकारी अस्पताल में, उनको हमारे क्षेत्र भी नहीं थे,
आए दिन पेपर में आता रहता है मेरा कि राकेश सिंह ने उनको एक्सीडेंट में बचाई, उनको किया। पेपर के माध्यम से आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का जरिया है कि हाईलाइटेड कर देते हैं और कि जिसको चाहे जो कर दे। लेकिन हाँ, हाईलाइटेड भी वही शख्स होता है जो फील्ड लेवल पे काम करे। अभी एक पिपरिया के लोग थे, सुने कि एक्सीडेंट हो गया था, कुछ प्रत्याशी, वर्तमान प्रत्याशी और प्रत्याशी गए थे। हाँ हाँ ठीक है साथ में है, लेकिन कोई उनको ये नहीं बताया कि अब भैया गाड़ी लो, अब तुरंत इनको इमरजेंसी ट्रामा सेंटर जाना है। कोई नहीं बताया, बस फोटो खिंचवा के लोग आ गए। मुझे पता चला, मैं गया तो वहाँ देखा कि उनको न्यूरो को डॉक्टर को दिखाना है, एम्बुलेंस अपना भेजा और कुछ पैसा भी दिया, न्यूरो को डॉक्टर को दिखाया और मेडिसिन लेकर आ गए। तो जो मेडिसिन की भी जरूरत होती है, हल्का फुल्का मेडिसिन उनको भी चाहिए तो मैं हॉस्पिटल से अवेलेबल करवा देता हूँ, कहाँ से वो इतना मेडिसिन लाएंगे। तो उन लोग का दुआ हमेशा साथ में रहता है, मतलब जिस भी तरह हो क्षेत्र का काम ना हो, कहीं से कुछ किसी को भी कुछ तकलीफ ना हो, कमी ना। कल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। मैं पिताजी भी यहाँ पे बताऊँ कि डॉक्टर हैं। एक बगल के गांव के ही लड़के थे, युवा लड़का था, उसको सांप काट दिया था, पता नहीं था उनके परिवार। अच्छा, अच्छा, सांप काटा था। मैं हाफ पैंट और टी शर्ट पे अपना स्कॉर्पियो लेके वो बच्चे, वो लड़ बंदे को, मेरे साथ का लड़का था, उसको यहाँ से अविनाश सिंह में वो डेथ कर गया। तो फिर उशरी, फिर झरवाने के लिए कहाँ कहाँ, मतलब 5 घंटा बिना खाए पिए उसके साथ रहा, मृत शरीर के साथ। जी हाँ, कि शायद कहीं झरवाने या किसी को दिखाने से कुछ भी बात है। मैं हमेशा प्रेयर किया, जय रास्ता भर जयकारा जो भी होता है, जो भी प्रक्रिया है कि जयकारा लगाते हुए जा गया। उस प्रोग्राम मुझे सुबह से 6 बजे से 10:30 बजे तक क्षेत्र में था, बिना खाए पिए चेत कर रहा था। तो गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था, उन लोग को लेके जा रहा था। शायद हमारी जो है मजदूरी मिल जाए, ये लड़का जी जाए, यही सोच रहा था। आशा थी कहीं, बहुत उम्मीद थी, लेकिन भगवान करने पर बच नहीं पाया। मुझे गाड़ी चला रहे थे, रो रहे थे हम। हाँ। क्योंकि वो साथ लड़का, युवा लड़का था। अच्छा। रुवाई बढ़ रहा था, गाड़ी चला रहे थे, जयकारा लगा रहे थे, जो भी हालात। लेकिन हमारे और आपके बस में है नहीं किसी को बचाना, जो लिखा है वो तो होगा ही। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं क्षेत्र में, ऐसी आप में क्या वो खास बातें हैं जो क्षेत्र के युवा, क्षेत्र की जनता सब देखता है? आज के समय में ऐसा कोई नहीं है, वो बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, छात्रा हो, सब देख रही हैं कौन नेता कैसा है, किसके बारे में क्या अच्छी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि वो आपको चुने और उनके लिए आप एक मददगार साबित। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किए ये। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे क्षेत्र में बहुत प्रत्याशी आए हुए हैं। ठीक। तो मैं ये सोचता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से एक बार चुनाव जीत गया, मैं ऐसा काम का जाल इतना बिछा दूंगा कि यहाँ की जनता मुझे जाने नहीं देगी। पहली बात कि मैं इतना काम कर दूंगा कि जनता जाने नहीं देगी। और प्रत्याशी आए हैं कोई बाहर, हालांकि ये जो चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, जो काम वाली बातें हैं जी, जैसे विधानसभा चुनाव के समय भी जी, और हालांकि जो अभी सुन रहे होंगे वो भी जी, ये चीज़ें कहेंगे कि काम को लेके हर कोई मतलब आता है। ठीक। इससे पहले भी जो सिटिंग कैंडिडेट आए होंगे उन्होंने भी दावा ठोका होगा कि ये काम कराएंगे, तो उनको ये कैसे पुष्टि हो कि नहीं वो आपको चुने, तो एक आशा रहे कि नहीं ये आ रहा है तो उसकी तरह ये नहीं करेगा। देखिए, सोच सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा प्रत्याशी को बदलना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कंपटीशन होता है, वो अगला काम कर रहा है। आज के डेट में तो फोन को एक बार, एक साल से ज्यादा नहीं यूज कर रहा। हाँ, तो प्रत्याशी हमेशा चेंज करना चाहिए। मैं अपने को खुद बोल रहा हूँ, प्रत्याशी आप लोग, जनता चेंज करती रहेगी, तो वो कंपटीशन होता है प्रत्याशी में, हम उससे ज्यादा काम कराए वो तो हमको अगले बार मौका मिलेगा। जैसे युवाओं में कंपटीशन, छात्रों छात्रों छात्राओं में कंपटीशन होता है, जितना कंपटीशन करेंगे उतना हाई लेवल पे जाएंगे। कंपटीशन होना चाहिए, चेंज करके देखिए भैया। इम्पोर्टेंट है कि वो आपका जो क्षेत्रीय रहेगा, आपके क्षेत्र का जो प्रत्याशी रहेगा, तो उसके लिए मान सम्मान की बात हो जाती है कार्यकाल। हाँ, कि हम इतना काम करें कि उसको वो जिला परिषद नहीं दिख रहा है, वो आगे का रास्ता दिख रहा है, ताकि लोगों का विश्वास जो बना जुड़ा रहे और आगे क्या वो चेयरमैन बने, विधानसभा विधायक बने। मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट बार यहाँ पे जिला परिषद लड़ रहा हूँ, अब की बार जिला परिषद नेक्स्ट बार से नहीं लड़ूंगा। अच्छा। मुझे याद रहेगा कि मुझे विधानसभा की तैयारी करनी है, तो ये इसलिए करूँगा विधानसभा की तैयारी, जनता को इतना मैं प्यार और सम्मान और काम कर दे दूंगा कि वो जनता हमको छोड़ना नहीं चाहेगा और गर्व से कहेगा कि ये लड़का मेरे क्षेत्र का है, बाहरी मेरे लिए लड़ता है। हाँ, 5 पंचायत के अंतर का, के अंदर का लड़का है, बाहरी नहीं है। यदि हम काम करवा के जाएंगे तो मैं, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी क्षेत्र बदलने के। पता ही नहीं, इम्पोर्टेंट होता है काम करेंगे तो कोई छोड़ेगा नहीं आप। बिल्कुल
कार्य को लेके जो है कि क्षेत्र के विकास हो, लोगों का विकास हो। चलिए, जैसा भी लगे इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके बारे में आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए हमें। अगर ये इंटरव्यू पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अंत में आपसे पूछना चाहेंगे राकेश जी, कुछ अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से, जनता जनार्दन से कुछ? मैं सबसे आपसे दसों उंगली आपके सामने जोड़ के कह रहा हूँ कि आप लोग हमको जिताएं और एक ऐसा चुनाव प्रत्याशी चुने आप लोग जो आपके क्षेत्र का हमेशा विकास की बात सोचे, वो आपके क्षेत्रीय हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपके क्षेत्र का है, तभी वो जानेगा कि क्षेत्र का समस्या क्या है। और आप लोग से यही अपील है कि हमको ऐसा आप लोग दुआ दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अकेले ना बढ़ें, आपके साथ हमारे साथ आपके घर के लोग भी बढ़ें, तब बढ़ते रहें और हमेशा आप लोग के सेवा में तत्पर रहें। और हैं पिताजी भैया सब लोग अपने मोहनिया पलक हॉस्पिटल हैं, वो लोग भी तत्पर हैं, जो गरीब गुरबा आते हैं उनको बिना फीस के कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि पैसा नहीं होता है, हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं। इम्पोर्टेंट मेडिसिन नहीं होता, इम्पोर्टेंट उनका जान बच जाएगा, सब ये इम्पोर्टेंट होता है। बस आप लोग से यही अपील है कि एक बार अपने क्षेत्र के अपने लड़के समान, मैं नेता नहीं बेटा बन के रहना चाहता हूँ, और राकेश सिंह को चुने ताकि आपका कहीं से ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिसके चलते आप लोग का और हमारे घर का सर नीचे हो। सम्मान गर्व से कहेंगे कि ये मेरे घर का लड़का है और ये मेरा घर का बेटा है। चलिए, जैसा आपने सुना देखा जी, समझा इन्हें, जो भी कुछ भी हो राय अपना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता शेयर करिए अपने युवाओं में, चूँकि युवा नेता हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे ये जीतेंगे हारेंगे, इनकी जो भी पॉइंट आउट हैं वो अच्छी हैं बुरी हैं। एक खबर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरव्यूज़ और खबरें देखने के लिए दिव्य बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ। नमस्कार। नमस्कार।